हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड इट्स फंक्शन। कमर्शियल बैंक होता क्या है और उसके कौन से फंक्शंस है। फंक्शन यानी होता है काम, कि कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करती है वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आपको मैं बता दूं कि कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उस कंट्री की एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम को। यानी कि अगर कोई कंट्री आगे बढ़ना चाहती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है, तो उस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम ना बहुत बढ़िया होना चाहिए। और इसी वजह से हम लोग ऐसा कहेंगे कि कंट्री का बैंकिंग सिस्टम उसका बैकबोन माना जाता है। मतलब जो इकोनॉमी होती है उसका बैकबोन ही बैंकिंग सिस्टम होता है। और आज के डेट में मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ये भी बता दूं कि जो बैंकिंग एक्ट है उसके हिसाब से बैंकिंग क्या होता है। तो बैंकिंग एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो एक बाजू से लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जैसे मान लो ये पीपल है, लोग है बहुत सारे, उसमें से क्या करती है बैंक, क्या करती है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। और वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। और दूसरी बाजू वो क्या करती है, उन पैसों से, मतलब इस बंदे ने जो भी पैसा बैंक में दिया वो पैसे को बैंक अपने पास नहीं रखती, वो क्या करती है उस पैसों से इन्वेस्ट करती है और लोन पे देती है। या तो वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करेगी या किसी और पर्सन को वो क्या कर देंगे, लोन पे दे देंगे। एंड रिटर्न दिस डिपॉजिट व्हेन इट इज डिमांडेड। और आपको ये भी बता दूं कि जिस पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट किए थे, जब ये पर्सन डिमांड करेगा कि बैंक से कि लाओ भाई मेरे को मेरे पैसे वापस दो, तो बैंक तुरंत उसको क्या कर देगी, अपने पैसे वापस लौटा देगी। और यहाँ पे पैसे कौन से तरीके से वापस लौटाए जाते हैं, तो चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू पैसे लौटाए जाते हैं। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन ये पूरा काम करती है, ये जो पूरा टास्क परफॉर्म करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। और इस पूरी सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज कमर्शियल बैंक्स। देखो कमर्शियल बैंक्स जो होती है ना वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होती है। भाई कोई भी कमर्शियल बैंक सेवा देने नहीं बैठी है। सारी कमर्शियल बैंक क्या चाहती है, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो। और वो लोग मनी और क्रेडिट, मनी मतलब पैसों में ये लोग डील करते हैं और क्रेडिट मतलब कि उधार पे ये लोग देते हैं। यहाँ पे वो लोग अलग अलग लोगों से, यानी कि कमर्शियल बैंक अलग अलग लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लो आप अगर कोई बैंक में जाते हो, तो वहां पे जाके जब पैसा दोगे तो कोई बैंक ना तो नहीं बोलेगा, वो तुरंत ले लेगा। अब वो पैसों से वो लोग करते क्या है, उन पैसों से वो लोग करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, उनका एक ही काम होता है प्रॉफिट अर्न करना। आगे बात करें, दे गिव लोन्स टू द नीडी। वो लोग लोन्स देते हैं नीडी को, जिसको पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, कम समय के लिए, तो वो लोग उनको लोन देते हैं। और सामने वो लोग उनसे सिक्योरिटी लेते हैं। सिक्योरिटी यानी कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा अगर आप बैंक से लोन चाहते हो तो। तो वही बैंक क्या करती है, पैसा तो देती है बट लोन के सामने वो क्या लेती है, सिक्योरिटीज लेती है। दे प्रोवाइड इंटरेस्ट टू डिपोजिटर्स। मतलब अभी हमने जो देखा, जो डिपोजिटर पैसा डाल रहा है, डिपोजिट कर रहा है बैंक में, उसको इंटरेस्ट देगी। और जो लोन के फॉर्म में पैसा ले रहा है उनसे इंटरेस्ट लेगी, तो बीच में उनका प्रॉफिट बन जाता है। कैसे प्रॉफिट बनता है, कि इंटरेस्ट जो लोन वाला दे रहा है उसका ज्यादा होता है और डिपॉजिट होल्डर का इंटरेस्ट कम होता है, और बीच का जो होता है वो बैंक का प्रॉफिट माना जाता है। बोलो क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके रखे है कि इंडिया के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, ये सारी कमर्शियल बैंक मानी जाती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 3 का कोर्स है, जिसमें हम 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अभी हम लोग उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी भी टाइम है यूनिवर्सिटी की एग्जाम को, अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, और आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, आपको हम अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे और आप अभी के अभी बैच में जुट जाओ, जिससे आपकी एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। नेक्स्ट बात करें तो टॉपिक मेन जो है वो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कौन से फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। तो मेनली ना दो फंक्शन, एक है मेन फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। तो आज के इस वीडियो में ये पूरा सब कुछ मैं समझाने वाला हूं। मेन फंक्शन में 3 है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, फाइनेंस फैसिलिटी, फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जबकि सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है, ट्रांसफर ऑफ मनी एज अ एजेंट ऑफ कस्टमर, फिर है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। तो इस तरह से टोटल मेनली 2 इसके फंक्शन माने जाते हैं, एक होता है मेन फंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला है मेन फंक्शन।
मेन फंक्शन का पहला पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अच्छा, बैंक ना एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट लोगों से। जब भी आप जाते हो बैंक में तो तुरंत वो पैसा आपसे ले लेंगे, कभी भी ना नहीं बोलते, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन माना जाता है। अब कोई भी बैंक आपसे डिपॉजिट तीन तरीके से ले सकती है। सबसे पहला करंट अकाउंट, मतलब आपका एक करंट अकाउंट होगा, आपका तो नहीं होगा बट मान लो आपके फादर है, मदर है, आपके कोई रिलेटिव है, वो अगर बिजनेसमैन है तो वो उनका करंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट हम लोग ओपन करवा सकते हैं बैंक के पास से इन द नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नाम से, फर्म या तो कोई इंडिविजुअल के नाम से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं इस अकाउंट में वो ज्यादा लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब होता है कि विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब मैंने अकाउंट में पैसे जमा करवाए, तुरंत निकालो, मैं वापस जमा करो कितनी भी बार, एक दिन में मैं नंबर ऑफ टाइम्स पैसा विड्रॉल भी करवा सकता हूं और डिपॉजिट भी करवा सकता हूं, मतलब उस पर कोई तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पता है आपको, सेविंग अकाउंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ करंट अकाउंट ही इसके लिए है कि वहां आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे जो कस्टमर है इस अकाउंट का, उसको चेकबुक भी दी जाती है बट इन लोग को कभी भी ना इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये भी याद रखना। करंट अकाउंट को जो भी करंट अकाउंट लेके बैठा है, करंट अकाउंट होल्डर है, उसको कभी इंटरेस्ट नहीं देता। बहुत सी बैंक तो ऐसी भी है जो उसके ऊपर चार्जेस लेती है, इंटरेस्ट तो नहीं देती, वो तो भूल जाओ, चार्जेस भी लेती है करंट अकाउंट को मेंटेन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है कि कस्टमर चाहे, जैसे से फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट है आपका और आपके बैंक में 20,000 रुपए पड़े और आपका 25,000 का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। 20,000 पड़े, 25,000 पे करने तो पे हो सकता है, तो 5,000 आपका ओवरड्राफ्ट हुआ। तो इस तरह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। बोलो क्लियर हो गया। और बेसिकली ये अकाउंट क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स आप कितने भी ट्रांजेक्शन करो कोई दिक्कत नहीं है और सामने ये लोग इंटरेस्ट भी तो नहीं दे रहे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें बी, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको ना हम लोग ऐसा कहेंगे एफडी भी, एफडी के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों की एफडी होती है बैंक में। अच्छा, एफडी जो होती है फिक्स डिपॉजिट, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये एक फिक्स पीरियड के लिए होगा और यहाँ पे वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चाहते हैं, कि लंबे समय तक अपना पैसा इन्वेस्टेड चाहते हैं, वो लोग एफडी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी एफडी पे ही देती है, यानी कि अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हो तो आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं, एफडी में इन्वेस्ट करो, वहां से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। करंटली बात करें तो सेविंग अकाउंट पे 3-4% मैक्सिमम इंटरेस्ट चल रहा है, अगर आप सेविंग अकाउंट में डालते हो 3-4% है, बट अगर आप एफडी में डालते हो तो आपको 6-7% जो है वो इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है एफडी के ऊपर, अगर मान लो इन केस उसको और ज्यादा पैसा चाहिए तो उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है सेविंग डिपॉजिट। अच्छा, सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेविंग अकाउंट, जो आप लोगों का ज्यादातर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास पीपल है जिनकी बहुत कम सेविंग्स है, वो इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं और उसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर सैलरीड पीपल होते हैं, जिन जो सैलरी पे जॉब करते हैं वो लोग होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं और आम लोग, जनरली सेविंग अकाउंट सभी का ही होता है, ठीक है, मतलब कि सभी लोग ही ये अकाउंट को ओपन करवाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो बैंक जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है सेविंग अकाउंट पे कंपेयर टू द करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट इस पे मिलेगा और यहाँ पे एफडी से इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, करंट अकाउंट से ज्यादा होता है और एफडी से क्या होता है, इंटरेस्ट कम होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो कुछ बैंक जो है वो एग्रेसिव अप्रोच यूज करती है सेविंग अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, यानी कि आप बहुत सी बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जीरो बैलेंस, मतलब कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी आप उसको ओपन करवा सकते हो और कस्टमर यहाँ पे पैसा विड्रॉ कर सकता है इन अकाउंट से बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जनरली कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है तो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सर्विस मिलती ही है और यहाँ पे साथ साथ में आपको पासबुक भी मिलती है, चेकबुक भी मिलती है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये हमने पढ़ा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो इसका मेन फंक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंस फैसिलिटी। फाइनेंस फैसिलिटी क्या होता है, तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन कॉल मनी। कोई भी बैंक होती है ना वो कॉल मनी में जरूर इन्वेस्ट करती है। क्यों कॉल मनी में इन्वेस्ट करती है, तो व्हाट इज कॉल मनी, सबसे पहली बात। तो बहुत सी बार क्या होता है कि एक बैंक के पास पैसों की कमी आ जाती है तो उस टाइम पे दूसरी बैंक उसको हेल्प करती है, जिसको कहते हैं कॉल मनी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल SBI है और दूसरी है
मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, ठीक है। अब मान लो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है बीओबी है, उसको पैसों की कमी पड़ गई, तो एसबीआई क्या करती है, उसको कॉल मनी देगी। इसको पता है कॉल मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले के टाइम पे ना फोन पे इसको यूज किया जाता था। और आपको ये भी बता दूं कि इसका जो लोन होता है ना, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, एक दिन के लिए होता है तो कॉल मनी कहते हैं, और अगर दो दिन से लेकर के 14 दिन तक होता है तो उसको नोटिस मनी कहा जाता है। तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जब बैंक के पास कैश की बहुत कमी होती है तो उस टाइम पे जो पैसा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। तो एसबीआई ने तो क्या किया, अपने पास जो पैसा पड़ा था वो बीओबी को दे दिया, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हम लोग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको सामने क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको कॉल मनी रेट कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये था नंबर वन, इन्वेस्टमेंट इन कॉल मनी। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर टू, ये नंबर टू फाइनेंस फैसिलिटी का ही है, यानी कि एज अ लोन। कोई भी बैंक ना लोन सबसे ज्यादा देती है, बिकॉज लोन जो है वो सबसे प्रॉफिटेबल क्रेडिट माना जाता है कोई भी बैंक के लिए। और यहाँ पे बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म की लोन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म की जो लोन्स होती है उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अगर मान लो कि आप लोग को लॉन्ग टर्म की लोन मिली, तो मतलब हम ऐसा कहेंगे कि बैंक को धीमे 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 करके हमको पैसा चुकाना रहता है, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ता है जब लॉन्ग टर्म लोन होती है। और ये जो लोन होती है वो विथ और विदाउट प्लेज ऑफ मॉर्गेज ऑफ सिक्योरिटी। प्लेज मतलब होता है हम लोग कहेंगे कि एक तरह से प्रॉमिस। मॉर्गेज तो आप लोग को पता ही है कि एक तरह से गिरवी रखना होता है, तो लोन हम लोग मॉर्गेज को रख के या तो मॉर्गेज के बिना भी ले सकते हैं, यानी कि किसी की क्रेडिटेबिलिटी पे भी हम लोग लोन ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज में मॉर्गेज में कौन सी चीजें यूज होती है, तो मॉर्गेज में जैसे मान लो आपके गोडाउन है, आपका गुड्स है, तो गुड्स भी आप क्या कर सकते हो, गिरवे रख सकते हो। आपका रियल एस्टेट है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो भी आप गिरवे रख सकते हो। या तो आपके पास शेयर स्टॉक की सिक्योरिटी है, वो भी है, गोल्ड है, ये सारी चीज एज अ मॉर्गेज यूज की जाती है बैंक के द्वारा। तो यहां पे एज अ लोन जो है वो सबसे प्रॉफिटेबल माना जाता है कोई भी बैंक के लिए। नेक्स्ट बात करें तो एज ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, कोई भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फैसिलिटी उनके कस्टमर को। और वो क्या देख के उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनकी रेप्यूटेशन और उनका टाइप ऑफ बिजनेस कि कैसा कर, देखो हर कस्टमर सेम नहीं होते बैंक के लिए, कुछ कस्टमर बहुत रेप्यूटेड होते हैं तो कुछ लोगों के चेक भी बाउंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो रेप्यूटेड कस्टमर है, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, उनको अच्छे से वो लोग कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, और जिन लोग की इतना नहीं है बैंक में क्रेडिटेबिलिटी, उनको नहीं मिलती ये फैसिलिटी। तो कहने का मतलब ये फैसिलिटी में कस्टमर पैसे विड्रॉ कर सकता है उनके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे भी ज्यादा। अभी एक एग्जांपल दिया ओवरड्राफ्ट का, से फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50,000 पड़े हैं बैलेंस, और अगर आपको 60,000 का पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनेंस फैसिलिटी आती है। अब आप लोग सोचोगे सर ये तो अच्छी बात हुई, बट आपको बता दूं कि जो 10,000 एक्स्ट्रा गए ना उस पे भी बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड किया जाता है जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ की होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ की होती है जो कि आपको बैंक ने दी है, जो आपकी नहीं थी। आपके तो भाई 50,000 ही थे, 10,000 एक्स्ट्रा किसने दिया आपको, बैंक ने दिए, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी अमाउंट विड्रॉन की जाती है और स्पेंड की जाती है कभी भी, मतलब कि आप जब चाहो तब ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, कभी भी आप पैसा खर्च कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। क्लियर। तो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कौन सी, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो हमने दो मेन फंक्शन कंप्लीट किए, तीसरा है फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं, और बहुत बढ़िया मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है क्रेडिट क्रिएशन। यहां पे कोई भी कमर्शियल बैंक को ना फैक्ट्री ऑफ क्रिएशन कहा जाता है इंस्टेड ऑफ गोडाउन, मतलब कि कमर्शियल बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे पैसा वो लोग पैसे में से पैसा बनाते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा होता है वो पैसे को खींचता है, वैसी बात है कि पैसों में से पैसा बनाने का काम कमर्शियल बैंक का होता है। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग लोन्स, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये सब के थ्रू पैसे को क्रिएट करते हैं। और यहां पे क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल हो पाता है म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ बैंक, मतलब जितनी भी बैंक वर्क है कर रही है, यानी कि जितनी भी कमर्शियल बैंक
काम कर रही है वो सब मिल करके अपनी लोन्स वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से उन सबका एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होता है। इस वजह से ही हम कहेंगे कि एवरी लोन क्रिएट्स न्यू डिपॉजिट, हर लोन क्या करता है एक नया डिपॉजिट बनाता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यह आप हो, ठीक है, मान लो ए है। अब ये जो ए पर्सन है उसका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, वो क्या कर रहा है अपने, अभी दिवाली का टाइम आया तो मान लो दिवाली के टाइम पे 5,000 रुपए उसको मिला। अब वो 5,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट करवाने गया, तो उसने अपने 5,000 रुपए पहली बार अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, तो उसको कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। अब आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कोई भी बैंक पूरा का पूरा जो पैसा आया है कैश के फॉर्म में वो लोन नहीं दे सकती, उसमें से उस बैंक को अपने पास कुछ रखना पड़ेगा जिसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो 5,000 रुपए में से 500 रुपए बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी अपने पास रखेगी, और लोन कितने की दी जाएगी, 4,500 रुपए की क्या दी जाएगी, लोन दी जाएगी कोई भी बी पर्सन को। अब क्या होगा, अब जो बी है उसका काम हो गया, मान लो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं कर रहे, अब यहाँ पे जो बी है वो क्या करेगा, वो 4,500 रुपए बैंक को वापस लौटाएगा, यस और नो? हाँ, बैंक को वो वापस लौटाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिराइव डिपॉजिट कहेंगे। अब मान लो बैंक के पास वो पैसा वापस आया इन द फॉर्म ऑफ डिराइव डिपॉजिट, तो हो गया कि ये डिपॉजिट से बैंक ने वापस दूसरा डिपॉजिट क्रिएट कर लिया, पैसा कमाया वो तो अलग, ठीक है। अब ये 4,500 बैंक के पास वापस आया, तो बैंक क्या करेगी, उस 4,500 में से 10% हटा देगी, यानी कि 450 रुपीज अपने पास रखेगी और कोई सी बंदे को लोन दे देगी, ठीक है, कोई सी पर्सन को लोन दे देगी 10% अपने पास रखने के बाद। तो इस तरह से बैंक क्या करती है, लोन पे लोन पे लोन देती रहती है, जिसकी वजह से उसका पैसा बढ़ता रहता है, और इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, लोन क्रिएशन भी कह सकते हैं। इसकी फॉर्मूला याद रखना कि क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 100 डिवाइड बाय कैश रिजर्व रेशियो, जिसको CRR कहते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 5,000, यानी आपने पहली बार डिपॉजिट कितना कराया था, 5,000 रुपए कराया था, तो 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना है आरबीआई के हिसाब से 10%। ये एग्जांपल दिया है, आरबीआई बदलती रहती है CRR को, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना आया, 50,000, और यह आया क्रेडिट क्रिएशन। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 5,000 रुपए से बैंक के पास इतनी ताकत है कि वो 50,000 रुपए कन्वर्ट कर सकती है, मतलब 5,000 को 50,000 में वो कर सकती है। कैसे 50,000 में, मार्केट में लोन दे दे के अलग अलग लोगों को, कि 5,000 रुपए को अलग 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 लोगों को लोन देगी वापिस लेगी, लोन देगी वापिस लेगी, तो इस तरह से पूरे मार्केट में 50,000 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये था पूरा कंसेप्ट क्रेडिट क्रिएशन का, और कोई भी बैंक, ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बैंक के लिए, जो परफॉर्म करती ही करती है। तो यहाँ पे हमारे जो मेन फंक्शंस थे वो सारे फिनिश होते हैं। अब हम लोग आते हैं सब्सिडरी फंक्शन, जिसको सेकेंडरी फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। ये बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है कि कोई भी बैंक इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मतलब बैंक के पास जो पैसा आता है उन पैसों को वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, एज वेल एज उन पैसों से वो लोग शेयर्स खरीदते अलग अलग इंडस्ट्रीज के, और वो लोग अंडरराइट भी करते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन है कि कोई भी बैंक पैसे को क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ मनी। यहाँ पे कोई भी बैंक जो है पैसे को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट रिस्क और लो कॉस्ट में, मतलब बहुत ही कम खर्चे में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन से मीडियम से, बाय यूजिंग चेक, बाय यूजिंग ड्राफ्ट, बाय यूजिंग टेलीग्राफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर और ई ट्रांसफर। आज की डेट में UPI है, गूगल पे है, फोन पे है, इन सबके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं पैसों को। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 3, एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कस्टमर। कोई भी बैंक जो है वो एज अ एजेंट ऑफ अ कस्टमर एक्ट करती है। कैसे, अगर मान लो आपको अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, आप बैंक के थ्रू कर सकते हो। अगर मान लो आपको इंटरेस्ट चाहिए, मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपने लोन लिया है, तो भी आप थ्रू बैंक आप पे कर सकते हो। आपको मान लो डिविडेंड रिसीव हुआ है, पैसा मिला है, तो भी आप बैंक के थ्रू कर सकते हो। आपकी सैलरी जो है वो आपको मिली है बैंक के थ्रू, अगर पे भी करनी है सैलरी तो बैंक के थ्रू हो सकता है। या कोई भी तरह का काम, एडमिनिस्ट्रेटर वर्क है, या कोई भी तरह का विल बनाना है, ट्रस्टी का विल, तो वो सारी चीजें बैंक के थ्रू हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट है नंबर 4, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यूजुअली कमर्शियल बैंक ना डोमेस्टिक ट्रेड ही करती है, यानी कि वो फॉरेन ट्रेड नहीं करती, एक्सचेंज नहीं करती फॉरेन करेंसीज के अंदर,
बट आज की डेट में उन्होंने काम चालू कर दिया है सेल्स एंड परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन ट्रेड अब बढ़ गया है। पहले इतना नहीं हुआ करता था, फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुआ करता था, बट आज की डेट में वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हर कमर्शियल बैंक क्या करती है, अब सेल और परचेस करती है फॉरेन एक्सचेंज का। मान लो कि अगर मैं कोई चीज एक्सपोर्ट करता हूँ या कोई चीज इंपोर्ट करवाता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे को पेमेंट करना होता है, तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, तो मैं कमर्शियल बैंक के थ्रू उन पैसों को एक्सचेंज करवा सकता हूँ, बिकॉज मेरे को वहां पेमेंट डॉलर में करना होता है, तो वो डॉलर का पेमेंट मैं कमर्शियल बैंक के थ्रू कर सकता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे दिया है कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आखिरी वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, सब्सिडरी फंक्शन का, कि सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। आपको पता ही है कोई भी बैंक होती है ना, वहां इस तरह से सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स होते हैं, जहां कस्टमर उन वॉल्ट्स को रेंट पे लेते हैं, रेंट पे यानी कि उधार पे। वो हमारा परमानेंट नहीं हो जाता, हम उसको कुछ टाइम के लिए ही लेते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर जो है वो अपने शेयर्स, ऑर्नामेंट्स या वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट सारे के सारे इन लॉकर्स में रखते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे बैंक को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, ठीक है, वो पूरा सीक्रेसी रहता है आपके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 चाबियां होती है लॉकर की, एक चाबी आपके पास होगी और जो दूसरी चाबी होगी वो बैंक के पास होगी, और दोनों चाबी लगी होगी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अगर दोनों चाबी लगी होगी तो ही जाके वो क्या होगा, ओपन हो पाएगा। और यहाँ पे जो लॉकर होता है वो ओपन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 कीज, 2 कीज की मदद से ही लॉकर ओपन किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कितने सारे लॉकर्स है, ठीक है, यहाँ पे लोगों की जो कीमती चीजें है वो रखी जाती है, तो आप भी ओपन करवा सकते हो सेफ डिपोजिट वॉल्ट। तो इस तरह से टोटल हमारे दोनों फंक्शन फिनिश हो गए, एक पढ़ा हमने मेन फंक्शंस और दूसरा पढ़ा सब्सिडरी फंक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ पूरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।